स्टूडेंट्स, इंग्लिश रीडर में कल हम लोग टॉमी द पैट पढ़े थे। आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज मैं इंग्लिश रीडर बुक के पेज 69 उसका एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। Who has a big bag? A, question है who has a big bag? जब लेसन को पढ़े थे तो हम लोग आंसर देखे थे अनिल has a big bag. अनिल has a big bag. B, who has a bun? Bun किसके पास है? हम लोग फर्स्ट पिक्चर में देखे थे कि टॉमी के पास बन था। टॉमी हैज अ बन, हम लोग ऐसे लिखेंगे टॉमी हैज अ बन। सी, हु हैव लॉन्ग ईयर्स? किसके कान लंबे लंबे हैं? रैबिट्स हैव लॉन्ग ईयर्स। रैबिट्स हैव लॉन्ग ईयर्स। व्हाट डज अनिल बाय फ्रॉम द शॉप? अनिल बाजार से क्या खरीदा या अनिल दुकान से क्या खरीदा? अनिल बॉट ए कार फ्रॉम द शॉप। अनिल दुकान से कार खरीदा। अनिल बॉट ए कार फ्रॉम द शॉप। इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर होगा। ये आपके पास लिखा हुआ जाएगा, उसको देख करके आप याद कीजिएगा पढ़ करके। टू, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज और हैव। हैज या हैव से ये ब्लैंक्स को भरना है। हैज, हैज कहाँ यूज करते हैं? हैज, ही, सी, इट या किसी नाम में यूज करते हैं। और हैव कहाँ यूज करते हैं? आई, यू, दे में हैव यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं, अलका डैश ए स्मॉल बैग। अलका हैज ए स्मॉल बैग। द जीप डैश रेड व्हील्स। यहाँ जीप भी सिंगुलर नंबर है इसीलिए हैज यूज होगा। द जीप हैज रेड व्हील्स। द रैबिट्स डैश लॉन्ग ईयर्स। यहाँ रैबिट्स प्लूरल नंबर है और थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पर हैव यूज होगा। ये आप खुद समझिएगा। अलका ये सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है इसीलिए अलका हैज अ जीप होगा। टॉमी हैज द कार। ये टॉमी भी सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज यूज होगा और कोई एनिमल है। अलका डैश ए नाइस पेट। अलका हैज ए नाइस पेट। हम लोग पिछले चैप्टर में भी हैज और हैव पढ़े थे। हैज टर्न्स इनटू हैव पढ़े थे ना, तो हम लोग को हैज और हैव के बारे में पहले से भी मालूम था इसलिए। और ये बहुत आसान ढंग है बनाने का, ये आप समझ गए होंगे तो एकदम आसान से बना दीजिएगा। इसलिए ये आपका टेस्ट है, आपको बना के भेजना है और एकदम करेक्ट करेक्ट बना करके भेज देना है। ये आप लोग का होमवर्क है, ये क्वेश्चन आंसर करना और ये फिल इन द ब्लैंक्स बना करके भेजना। पेज 69। थैंक यू।